फ्रेंड आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें बेसिक में आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने यही बात याद रखनी है कि भाई जितने समय के लिए जितने रुपये जिसके द्वारा लगाए गए होते हैं उसी रेशियो में उसी अनुपात में भी लाभ को उनके मध्य में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दोनों के। आप समझिए बिल्कुल बिल्कुल इजी है, समझेंगे तो बेसिक भी साथ साथ में आपका जो है क्लियर होता चला जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, ए है ना 1000 रुपये से व्यापार आरंभ करता है। भाई ए है बी है ये अपनी पूंजी लगाते हैं, पूंजी ठीक है, और यहाँ पे कितने समय के लिए लगाते हैं वो समय। अब देखो पूंजी लगाई है इन्होंने, ए ने अपने 1000 रुपये लगाए हैं, बी ने लगाए हैं अपने 4000 रुपये और सी ने अपने कितने लगाए हैं यहाँ पे देखो 5000 रुपये ठीक है 5000 रुपये। अब क्या कहता है ये 1000 रुपये से ए व्यापार आरंभ करता है, 6 महीने बाद बी 4000 से ए के साथ सम्मिलित हो जाता है। यानी कि 6 महीने बाद का मतलब है इन्होंने कहा है कि भाई 1 साल तक पूंजी लगी है इनके व्यापार में ठीक है। अगर 6 महीने बाद बी लगा होगा तो ए की पूंजी तो पूरे साल लगी है, 6 महीने बाद लगा हुआ होगा तो ये भी इसकी पूंजी कितनी मंथ लगी होगी, सिर्फ 6 महीने लगी होगी। इसी प्रकार ये क्या कहता है, सी जो सी है वो 5000 सिर्फ 4 महीने के लिए निवेश करता है, 4 महीने के लिए सी अपनी पूंजी निवेश करता है। यानी कि समझ लीजिए ए है ना 1000 रुपये पूरी साल खातर यानी कि 12 महीने के लिए लगाते हैं, बी 4000 रुपये 6 महीने क्योंकि उसके 6 महीने बाद 4000 रुपये लगा के पार्टनर बन गया था उनका, उसके बाद सी सिर्फ लास्ट के 4 महीने ही अपनी पूंजी जो है इनके बीच लगाता है। अब ये कहते हैं कि भाई जब इनको कुछ ना कुछ लास्ट में प्रॉफिट होगा तो वो किस रेशियो में बटेगा, और इन्होंने कहा भी है यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। और इनमें एक बात इन्होंने यहाँ पे देखिए खुल के भी बोल दी है कि भाई जो लास्ट में प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे एक इनकम्प्लीट है स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखना था इन्होंने अंत में कुल लाभ इसको कितना हुआ है 2500 रुपये का, यानी कि तीनों को अंत में 2500 रुपये मिले हैं। उन 2500 रुपये में जिसने ज़्यादा समय के लिए पैसे लगाए उसको ज़्यादा रुपये मिलने चाहिए और जिसको कम समय के लिए पैसे जो है इन्वेस्टमेंट करेगा उसको कम पैसे मिलने चाहिए। वही निकालना है कि भी इनको कितने कितने पैसे दें, इनके टोटल 2500 जो है रुपये बने हैं। चलिए करते हैं बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले तो ये रेशियो है ये याद रखना, ये ऊपर तो पूंजी का रेशियो लेना है, नीचे टाइम का रेशियो, 3 0 से 3 0 और 3 0 कैंसिल, और ये आपका किस पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2 6 12 2 3 6 और 2 2 4 यानी कि ऊपर तो कितना आ गया, ये समझिएगा फ्रेंड, यहां से अपर पार्ट में ये आपका 1 4 एंड 5, निचले वाले पार्ट में 6 3 एंड 12, इनकी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, 6 1 6 4 12 5 10 यानी कि 6 12 10 में इनकी जो है पूंजी लगी है। अब टोटल पूंजी कितनी है 2500 रुपये, अपनी टोटल पूंजी कितनी है 6 में 12 ऐड कर दो 12 में 10 ऐड कर दो तो ये 28 हो जाएंगी, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग पूंजी इतनी लगी है 28 रुपीज, इनके अकॉर्डिंग 2500, यानी कि हमारे 28 इनके 2500 के इक्वल हैं, तो अपना एक किसके इक्वल होगा 2500 बटे 28, तो कैंसिल हो गए 100 आ जाएगा, यानी कि हमारा एक 100 के बराबर, तो हमारे 6 किसके बराबर हो जाएंगे 6000 के, क्योंकि सॉरी 600 के, एक 100 है तो 6 का मान 600, 12 का मान 1200 एंड 10 का मान
1000। आई थिंक सो फ्रेंड, यहां तक आपको सम समझ में आ गया होगा। जब इन आप टोटल ऐड कर लोगे तो ये टोटल 2800 रुपये हैं, यानी कि ए को तो मिले हैं 600 रुपये, क्योंकि ए का हिस्सा 6 था, बी को मिले हैं 1200 और सी को 1000 रुपये। कब मिले हैं? जब ए ने 1000 रुपये 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने 4000 रुपये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, सी ने 5000 रुपये 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी सा सम था ये। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, नेक्स्ट सम कहता है ए और बी एक वर्ष के लिए एक साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं, यानी कि 12 महीने के लिए। ए 3000 और बी 4000 सहयोग करते हैं। 4 महीने के बाद सी व्यापार में सम्मिलित होता है, यानी कि 4 महीने के बाद, यानी कि एक साल मत 4, यानी कि 12 महीने मत 4 महीने गए, यानी कि सी की पूंजी 8 महीने तक ही लगी है सिर्फ। आगे क्या कहता है, और 4500 सहयोग करता है, ठीक है। यदि 6 महीने के बाद बी अपना सहयोग राशि निकाल लेता है, अब देखो बी ने 6 महीने बाद ही अपनी सहयोग राशि निकाल ली, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो बी था इसकी पूंजी कितने दिन लगी है, इसकी पूंजी मात्र 6 महीने के लिए ही जो है लगी है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं ए बी सी, ए की पूंजी 3000 रुपये, ए ने पूरे 12 मंथ के लिए, ये तो अमाउंट है, ये टाइम है, ठीक है। बी की पूंजी 4000 रुपये, बी का टाइम है 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद पैसे वापस ले लिए थे। सी की पूंजी 4500 रुपये, टाइम है 8, क्योंकि 4 महीने बाद इन्वेस्ट किया। अब 20 से 20 से 20 कैंसिल, ठीक है फ्रेंड यहां तक। अब देखो यहां पे आप इसको भी लिख सकते हो, समझना यहां पे, ये सारे के ऊपर कैंसिल, ये आपका 4, 5, ये 40 बच जाएगा, और यहाँ पे 30, तो इस 30 को आप कितने पे काटेंगे, देखो 5 पे, 5 6 30, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 30 कैंसिल, ये 5 8 40, ये 8 पे कैंसिल, और 5 9 45, जो ऊपर है वो 6 8 9, और नीचे भी कैंसिल कर दीजिए आप, 2 6 12, 2 3 6 और 2 4 8, ये क्यों कट जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड रेशियो में होते हैं, इसलिए कट जाते हैं। अब आप देखिए इस 6 की और इस 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36, 8 3 24 और 9 4 36, यानी कि जो ये आपका रेशियो आया ना, 36:24:36, इस रेशियो में इसका लाभ जो है बटेगा। और इन्होंने बोल भी दिया कि साल के अंत में 1000 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 36+24+36, यानी कि 36 में 24 ऐड करिए और फिर उसमें 36 ऐड करिए, तो ये 96 हो जाएगा, और 96 की वैल्यू आपको 1000 दे दी। तो देखिए इसको आगे करते हैं, यहां तक आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। देखिए 96 की वैल्यू कितनी दे दी है फ्रेंड, 1000 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000/96, ठीक है। और जो इसका रेशियो आया था वो आया था 36:24:36, तो 1 का मान इतना है, इसीलिए 36 का मान कितना होगा, 1000/96×36, जब इनको कैंसिल करेंगे तो आपका 375 आ जाएगा। उसी प्रकार 24 की वैल्यू 1000/96, इसको किससे कर दीजिए, 24 से, इनको कैंसिल करेंगे तो आपका 250, फिर अगेन 36 की वैल्यू सेम 375, यानी कि जो आपकी राशि है वो किस अनुपात में विभाजित होगी, पहले को मिलेंगे 375, दूसरे को मिलेंगे आपके 250, और तीसरे को भी 375। आई थिंक सो ये फ्रेंड सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी सम था ये। ए बी और सी एक साझेदारी आरंभ करते हैं, एक कुल धन राशि का 1/3। कुल धन राशि मान लीजिए, कुल धन राशि आपकी 1/3 है, कुल धन राशि हम मान लेंगे 30 रुपये, कुल धन कितना है
30 रुपये। और हम टाइम भी मान लेते हैं, टाइम समय, समय कुल समय कितना मान लेते हैं, 12 महीने के लिए हमने मान लिया ये कुल धन 30, कुल महीने 12। अब देखो एबीसी एक साझेदार में जो है व्यापार आरंभ करते हैं, ए आगे क्या बोलता है, ए कुल धन का, ये कुल धन का है इधर, ए कुल धन का एक तिहाई, कुल धन कितना है 30, 30 का एक तिहाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 30 में से 10 रुपये ए ने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ये एक तिहाई कुल अवधि का भी एक तिहाई, यानी कि कुल अवधि कितनी ली है 12 महीने, 12 महीनों का एक तिहाई करोगे 3 × 12 यानी कि 4 महीने तक पूंजी लगी है इसकी, आई थिंक सो 10:4 आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोलते हैं कि भाई बी कुल धन का छठवां भाग, यानी कि 30 का छठवां, यानी कि 1/6, 6×5=30 यानी कि 5 पॉइंट, ठीक है, भाग फुल अवधि का एक तिहाई यानी कि 12 महीने का एक तिहाई यानी कि 4, ठीक है, ये आपका बी, यानी कि 5/5 तो इसकी यूनिट हो गई और टाइम कितना हो गया 4 महीनों खातर, ए ने 10 यूनिट, टाइम कितना है 4 महीनों खातर, आई थिंक सो यहां तक फ्रेंड आ गया होगा समझ में। इसके बाद और शेष सी राशि, अब देखो 10 राशि 10.30 में से ए ने लगा दिए, 15 पॉइंट बी ने लगा दिए, बाकी बचे 15 पॉइंट, क्योंकि टोटल 15.30 थे भाई। शेष राशि कुल अवधि के लिए निवेश करता है, कुल अवधि कितनी थी अपनी 12 महीने थी, यहां तक आ गया होगा समझ में। यानी कि ए ने 10 यूनिट 4 महीनों खातर, बी ने 5 यूनिट 4 महीनों खातर और सी ने 15 यूनिट 12 महीनों खातर जो है इन्वेस्ट की है। अब देखिए इसको मैं नेक्स्ट उसमें सोल्व करता हूं, देखिए कैसे, ये आ गया आपका 10:0, ये तो आपका अमाउंट था, यहां पे ए एम लिख देते हैं अमाउंट, ये ए का था, ये बी का था और सी का था, ए का ये 5 था, इसका 15 था, इसका 4 था, 4 था और 12 था। देखो इसको तो आप 3 से जो है सॉरी 5 से कैंसिल कर दीजिए, जब 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 15, तो 2:5 × 5 = 15 यानी कि 2:1:3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4×4 = 4×4 = 4×12 यानी कि 1:1:3 इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2×2 = 1, 1×1 = 3, 3×9 तो ये आपकी टोटल राशि है, टोटल राशि 9×10 = 12 यानी कि 12 का मान आपको गिवन है। देखिए कुल लाभ 1200 हुआ है, यानी कि 12 का मान 1200, तो 1 का मान कितना आ गया फ्रेंड, 1 का मान आ गया आपका 12 से जब ये कैंसिल होगा तो 100, 1 का मान 100 आ गया, तो जो इनका अनुपात था ये लाभ का अनुपात था, 1 का मान 100 तो 2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 200, 1 का मान आ जाएगा 100 और 9 का मान कितना आ जाएगा 900, यानी कि A को मिले हैं 200 क्योंकि 1 का मान 100 आया है, और B को मिले हैं 100 रुपये और C को कितने मिले हैं 900 रुपये, 900 और 200 कितने हो गए फ्रेंड, 900 और 100 = 1200, 1200 = 1200 और ये टोटल कितने रुपये हैं यहाँ पे 1200, आई थिंक सो फ्रेंड ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये बिल्कुल ईजी सम था। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, मोहन को 6000 अपना हिस्सा कुल लाभ पर 9000 में से मिला, भाई 9000 रुपये इनको कुल लाभ हुआ था, मोहन को मिले हैं कुल 6000 रुपये। आगे क्या कहता है ये, जिससे वह रमेश के 7 वर्ष के अंत में अर्जित किए थे, रमेश के 7 वर्ष के यानी कि 1 साल तक दोनों की पूंजी लगी है, यदि मोहन 20,000 रुपये 6 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि रमेश अपनी राशि पूरे साल के लिए निवेश करता है। अब देखो मोहन को एम मान लेते हैं, मोहन की राशि है 20,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड, 20,000 रुपये 6 महीनों के लिए लगी है, पर जो ये रमेश है ना इसकी पूंजी नहीं पता कितनी है, उसको ए मान लेते हैं, रमेश ने ए रुपये लगाए हैं, पर रमेश की जो पूंजी निवेश की है ना वो पूरे साल की है, यानी कि 12 के 12 महीने लगी है इसकी पूंजी, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। देखो कैसे 6×6 = 12 यानी कि मोहन की पूंजी जो 20,000 रुपये है
और ये रमेश की पूंजी जो ए है, मोहन की पूंजी का तो 1:1 आ गया और यहाँ पे रमेश की पूंजी का 2। अब आप है ना क्या करिए, देखो जो इनका यहाँ पे क्या गिवन है कि भाई देखो समझो आगे यहाँ पे क्या बोलता है ये, रमेश के साथ अंत में अर्जित किए थे। यदि मोहन 20,000 रुपये 6 महीने के लिए निवेश करता जबकि रमेश अपनी पूरे साल पूंजी निवेश किया, तो रमेश द्वारा नियोजित धन जो है आपने बताना है भाई, रमेश द्वारा उन्होंने जो है कितना धन मिला है। अब देखो यहाँ पे एक बात और बोल दी है, मोहन को 6,000 रुपये मिले हैं अपना हिस्सा, कुल लाभ 9,000 रुपये। तो समझना, अगर मोहन को 6,000 रुपये मिले हैं ना, तो रमेश को कितने मिलेंगे, 3,000 रुपये, क्योंकि टोटल 9,000 रुपये है। 3 0 से 3 0, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि जो 2:1 आया है ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आया है। और ये प्रॉफिट कब होता है देखो समझो, यहाँ पे 2,000 की इस एक से मल्टीप्लाई, सॉरी 20,000 की इस एक से मल्टीप्लाई कर दो 20,000, और एक इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2A आ जाएगा, यानी कि इस रेशियो में बटा है टोटल ये मिला है। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा फ्रेंड। यहाँ पे 2 कब आएगा, जब 20,000 को आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो ही आपका 2 आएगा। तो आप जो ये 2A था ना, इसको भी आप 10,000 से ही डिवाइड कर दीजिए और आना कितना चाहिए ये 1, ठीक है। तो 10,000 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 5,000, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 5,000, यानी कि A की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 5,000। A मतलब A अमाउंट किया था रमेश ने, यानी कि रमेश की पूंजी कितनी है यहाँ पे 5,000 रुपये। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ईजी सम था ये। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहते हैं कि भाई ए और बी क्रम से, ए ने अपनी पूंजी लगाई है, ए और बी और सी तीन है यहाँ पे, ए बी ने 12,000 और 16,000 से एक साझा व्यापार किया। ए ने 12,000 रुपये लगाए, बी ने लगाए 16,000 रुपये, ठीक है। एक व्यापार करते हैं, 8 महीने के बाद सी बी, भाई 8 महीने के बाद सी बी 15,000 रुपये से व्यापार में बढ़ जाता है, यानी कि घुस जाता है राशि के साथ, व्यवसाय में सम्मिलित हो जाता है। 2 वर्ष के बाद यानी कि 24 महीने, इसका भी 24 महीने पूंजी लगी, इसकी भी, पर ये 8 महीने बाद आया था ना तो इसकी 16 लगी होंगी, क्योंकि 24 में से 8 गए 16, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए 3,330 ऊपर से कैंसिल हो जाएंगी आपकी, ठीक है, और ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24, यानी कि जो पूंजी है इनकी 12 3 36, 16 3 48 और 15 2 30, ये मल्टीप्लाई इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, जो ये 36:48:30 आया है ना, ये फ्रेंड आया है इसका जो कुल लाभ है उसका रेशियो, और 36 + 48 + 30 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। 114 का मान इन्होंने 45,600 दे दिया, यानी कि समझना इसी रेशियो में बटेगा इसका जो प्रॉफिट है, यानी कि 114 का मान कितना दे दिया है इन्होंने, 45,600, तो एक का मान कितना आ जाएगा 45,600 बटा 114, ठीक है फ्रेंड। 114 को जी 45,600 से कैंसिल करोगे, ये 4 पे होके 2 0 एज इट इज, एक का मान 4 आ जाएगा। तो इन्होंने सी का हिस्सा पूछा है ना, सी का हिस्सा, और जो अनुपात था 36:48:30, तो सी को 30 पॉइंट मिले थे, एक पॉइंट का मान 400 है, तो 30 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड, 400 × 30, 4 3 12, 2 0 की 2 0, यानी कि 400, 3 4 12, 2 0 की 2 0, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक सो ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सा सम था जो है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सम, बिल्कुल इजी है, शर्त ये है कि आपको जो है लॉजिक जो है समझ में आना चाहिए। ये 12,000 क्योंकि ये 30 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सा सम था ये। देखिए नेक्स्ट सम में क्या कहता है ये, नेक्स्ट सम में कहता है कि भाई किशन और नंदन एक साझा व्यापार आरम्भ करते हैं, किशन का निवेश
नंदन के निवेश से 3 गुना है, यानी कि ये किशन मान लेता हूँ। देखिए फ्रेंड समझिएगा, ये किशन है, ये नंदन है, ठीक है भाई। नंदन अगर 1 लगाता है तो किशन 3 है। अगर इनका टाइम भी है भाई, किशन का टाइम नंदन के टाइम से है ना 2 गुना है, ठीक है। तो इनका देखिए जो ये आपका जो यहाँ पे वो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा इनकी मल्टीप्लीकेशन, वो इनका लाभ का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 है और 1 एकम 1, यानी कि 6 प्लस 1 टोटल कितना हो गया 7। 7 का मान इनको गिवन है। देखो आगे क्या बोलता है, 7 की वैल्यू निकालनी है भाई टोटल। इन्होंने क्या बोला है, अब देखिए दुगना था, नंदन को 4000 अपनी निवेशित का लाभांश मिला। इब नंदन को कितना मिला 1, 1 का मान कितना आएगा यहाँ पे 4000, इसीलिए टोटल दोनों को कितनी यूनिट मिली 7, 1 यूनिट का मान 4000, तो 7 यूनिट का मान 7 गुना 4000, तो 7 चौका 28000। देखिए बिल्कुल इजी सा सम था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। स्टेटमेंट पे मत जाइएगा, लेंथी स्टेटमेंट दिखती है, बट सम ये बिल्कुल इजी होते हैं। देखिए नेक्स्ट सम में देखिए क्या कहता है, 7th सम में कि भाई ए और बी एक साझा व्यवसाय आरंभ करते हैं। भाई जो उनकी जो अनुपात है, साझा अनुपात उनकी धनराशि है, उसका अनुपात दे दिया, ये ए है आपका, ये बी है, अनुपात दे दिया 5:9। और जो इनका टाइम लगा है भाई, ए को तो 8 महीने लगे हैं और बी का पता नहीं कितने टाइम के लिए पूंजी लगी है, ठीक है। बट इनके यहाँ पे लाभ का अनुपात दे दिया, लाभ का अनुपात कितना दे दिया 4:9, यानी कि 8:45 और 9t। भाई 40 को किससे डिवाइड करें कि यहाँ पे कितना आ जाए 4 आ जाए, यानी कि 40 को 10 से डिवाइड कर दें तो आपका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 9t को भी उसी 10 से डिवाइड करना है, और कितना आना चाहिए 9। देखिए इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और टी क्योंकि 9 एकम 9 टी तो यहीं रहेगा, ये 10 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करके टाइम आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 10 महीने आपका जो है यहाँ से टाइम आ जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी सा सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, 8th सम देखिए क्या कहता है आपका। 8th सम कहता है कि भाई ए 2700 से एक व्यवसाय आरंभ करता है, कुछ समय के बाद बी 2025 के निवेश से व्यवसाय में सम्मिलित हो जाता है। सबसे पहली बात तो इनकी पूंजी लिख लीजिए आप, कितनी पूंजी किसकी लगी है, ये ए है और ये बी है। ए ने 2700 रुपये लगाए हैं, बी ने लगाए हैं 2025, ये 25 पे कैंसिल कर दीजिए। जब आप 25 पे कैंसिल करेंगे तो ये 108 आ जाएगा और ये आपका 81 आ जाएगा। फिर आप 27 पे कैंसिल कर दीजिए, 27 81 और आपका ये क्या आ जाएगा 27 चौके 108, यानी कि जो इनकी पूंजी का रेशियो है वो कितना है 4:3। आगे क्या बोलता है, जो टाइम है यानी कि ए बी की पूंजी का रेशियो तो आ गया 4:3, जो टाइम है जो ए की पूंजी लगी है वो तो 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक लगी है, पर बी की पूंजी नहीं पता। जब ए की न्यू ये आपको ना दे कि भाई बी की पूंजी ये नहीं पता कि कितने समय के लिए लगी है, और यही काटना है कि भाई कितने समय के लिए बी की पूंजी लगी थी, तो पक्का यहाँ पे आपको एक चीज़ देगा, ये लाभ का अनुपात देगा। जो इनका प्रॉफिट का रेशियो है ना 2:1 है। अब ये देख लो जो ये 2 है ना भाई, 12 को किससे डिवाइड करें कि 2 आए, 12/2 यानी कि 6, 12/2 करोगे तो 6 आ जाएगा, कि 12 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार टी को अब देखो, आप देखना यहां पे ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, 12 चौक 48, 48 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ जाएगा, 24 दूनी 48, यानी कि 48 को अगर 24 से डिवाइड करें तो आपका 2 आ जाता है। इसी प्रकार 3 की टी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टी को भी उसी 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 आ जाएगा, 3 8 24 और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, टी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहां से 8 महीने। यानी कि जो बी है
उसने अपना जो धन 8 महीने के लिए लगाया है, बट इन्होंने ये पूछा है समय कितने महीनों बाद लगाया है। भाई टोटल तो दोनों जो ए की राशि है वो 12 महीने तक लगी है ना, और बी की राशि है वो सिर्फ 8 महीने लगी है, यानी कि 4 महीने बाद राशि लगाई है और लगी है टोटल 8 मंथ। देखिए स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है, ये जरूर देखिएगा, इसका 8 नहीं 12 - 8 यानी कि 4 महीने बाद राशि लगी है, ये इसका जो है फुलफिल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी सा जो है ये सम था। ये कहता है भाई ए और बी और सी 1:2:3 में निवेश करते हैं, उनके निवेश के समय का अनुपात 1:2:3 है, किस अनुपात में उसके लाभांश विभाजित होंगे। बिल्कुल समझ लीजिए इजी सा समय, ये ए है, ये बी है और ये सी है, 1:2:3 में तो इनकी जो है पूंजी लगी है, उनके निवेश के समय का अनुपात यानी कि 1:2:3 इसके समय का ये अमाउंट है, ये आपका टाइम है, पूंजी का अनुपात इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 1 = 2 × 4 = 3 × 9 यानी कि 1:4:9 इनकी जो है पूंजी का अनुपात होगा। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है कि भाई ए बी सी ये 4, 5, 6 अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं, व्यवसाय अवधि के अंत में उन्हें देखिए लाभ दे दिया, यानी कि यहाँ पे ए बी सी की पूंजी तो दे दी 4, 5 और 6, यहाँ पे इनका प्रॉफिट का रेशियो दे दिया ए बी सी कि भाई इसको 2 मिला है, इसको 3 और इसको 4 प्रॉफिट, और टाइम नहीं पता। हम टाइम इसका मान लेते हैं पी, ये तो थी पूंजी और ये टाइम है, टाइम इसका पी मान लेते हैं, इसका क्यू मान लेते हैं, इसका आर मान लेते हैं। अब समझो यहाँ पे तो इसको टोटल इन दोनों गुणा कर दीजिए 4p, इसको 5q और इसको 6r। अब आप समझो 4p का मान कितना है 2, इसी प्रकार 5q का मान कितना है 3, इसी प्रकार 6r का मान कितना है 4। तो हम यही लिखेंगे फ्रेंड, समझिएगा, देखिए मैं लिखूंगा 4p का मान है 2, फिर लिखूंगा 5q का मान कितना है 3, इसी प्रकार लिखूँ 6r का मान कितना है 4। तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ से q का मान कितना आएगा 3/5, यहाँ से r का मान कितना आएगा आपका, कैंसिल कर दीजिए इसको, 4/6, 2 × 2 = 4 और 2 = 6। अब देखो ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड, एलसीएम देख लीजिए 5 × 10 = 30 आ जाएगा। देखिए इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 30 से और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ तो कैंसिल होके 15 आ जाएगा, 5 × 30 = 6 = 18 आ जाएगा, और इसको 3 × 2 = 30 और 10 × 2 = कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि ए की पूंजी 15, अगर यहाँ पे साल है तो साल ले लीजिए, महीने है तो महीने ले लीजिए, क्योंकि रेशियो तो सेम रहेगा, इसकी आपकी जो है 18 महीनों के लिए और इसकी 20 महीनों के लिए जो है टोटल धनराशि जो है लगी है। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, वो इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, तो ये आपका पार्टनरशिप भी जो है टॉपिक जो है बिल्कुल यहाँ से जो है ख़त्म हो जाएगा इन समों से। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।